तो आ, मैं एक छोटा सा बस इंट्रोडक्शन आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अजीत सर जो है आ, हमारे यहाँ सीनियर रेडियो प्रोड्यूसर हैं नमस्ते अजीत सर नमस्ते इमरेश मैम जी च्चे. और सर का बहुत ही रिच एक्सपीरियंस रहा है ऑडियो प्रोडक्शन में आ, सर तीस साल से ज्यादा इस फील्ड में है और सर की अगर आप आवाज सुनेंगे जो सर आपसे बात करेंगे <laughs> तो आपको पहचान में आएगा कि सीआईटी के जितने भी ऑडियोज हैं वो हमारे मेल वॉइस जो है वो अजीत सर की है और विमलेश मैम की वॉइस भी बहुत ज़्यादा फेमिलियर आपको लगेगी तो विमलेश मैम जी जो है हमारे यहाँ रेडियो प्रोड्यूसर हैं और साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं और इनके साथ मयंग जी रहेंगे सेशन में तो ये दोनों आवाज़ें और ये दोनों शख्सियत जो है हमारे साथ प्रेजेंट है और आज का सेशन ये लोग लेने वाले हैं और जैसे कि आलोक ने बोला कि ये बिल्कुल यादगार सेशन आपके लिए रहेगा और आप इनकी आवाज़ में इनके सेशन में बिल्कुल खो जाएंगे सर बहुत बहुत आपका वेलकम इस सेशन के लिए अजीत सर और विमलेश मैम जी एंड माय थैंक यू टू यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की अच्छी सुबह के लिए इट्स अ वंडरफुल टाइम टू बी विद ऑल ऑफ यू मैं अजीत जैसा कि आप लोगों ने परिचय में सुना मेरे साथ हैं मैं विमलेश uh, मैं यहाँ पे रेडियो प्रोड्यूसर हूँ तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए और क्योंकि पहला सेशन है तो एक दो बातें पहले बातचीत कर लें कि आपका सिंगल साइड से खेला नहीं जाता है ना अगर हम कुछ कहते हैं तो आप भी अगर वहां से इंटरैक्ट करेंगे दैट विल बी वंडरफुल हमारा भी उत्साह बढ़ता है उससे नहीं तो अकेले बोल रहे हैं पता नहीं जा रहा है या नहीं जा रहा है ना इट्स वेरी इजी टू फोकस योर आईज एट द फेस ऑफ द स्पीकर एंड टू गो ऑन मेंटली समवेयर एल्स है ना ये हो सकता है इसे रिएक्शन लगातार करते रहे बातचीत करते रहे अच्छा लगेगा Uh, अगर नहीं जमता है तो भी बोलिए तो यानी इससे टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से हम एक दूसरे को इतनी दूर दूर से देख सकते हैं वी कैन फील इच अदर इट्स रियली वंडरफुल तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इससे पहले कि आगे चलें आगे चलें आ, आ, एक स्टोरी है और मैं चाहता हूँ इस समय अगर आप रिस्पॉन्स दे तो बहुत अच्छा रहेगा शायद इसको मैंने

कहानी से शुरू करें, बिल्कुल है ना तो कहानी से शुरू करते हैं अ वंडरफुल स्टोरी और आप सब कोई विद्वत आप लोग शिक्षक हैं हाथ जोड़ करके प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आने वाली पीढ़ियों को भी आपको आप बना रहे हाँ बड़ी अच्छी बात एक बात है कि किसी ने कहा कि अगर कोई एक पर्टिकुलर जॉब में है तो वो एक जनरेशन को सिखाता है लेकिन यदि आप टीचिंग में है तो यू आर गोइंग टू टीच मेनी जनरेशन आप बहुत सारी पीढ़ियों को सिखाते हैं आप पूरी पीढ़ियों को बना रहे हैं राष्ट्र का आप निर्माण कर रहे हैं सो ऑल ऑफ यू आर द वंडरफुल पीपल एंड वी रेस्पेक्ट ऑल ऑफ यू तो एक कहानी से स्टार्ट करते हैं और बाद में समझ में आएगा कि इस कहानी का संदर्भ क्यों लिया मैंने तो ये घटना शुरू होती है आपका यूनाइटेड स्टेट्स की ये घटना है क्योंकि आप लोगों ने कह दिया ये कहानी आप लोग जानते नहीं इसलिए मैंने इसको लिया है आप लोगों के लिए तो अ प्लेस विस्कॉन्सिन एक जगह है और वहां पर हाईवे है एक, एक आप इसे इमेजिन कर सकते हैं बहुत अच्छा हाईवे है और लोग ड्राइव कर रहे हैं एक मोटरिस्ट वो ड्राइव करता हुआ जा रहा है और जाते जाते क्योंकि हाईवेज है वो जाते जाते अचानक उसकी कार रुक गई उसकी कार जब रुक गई तो उतरा उसने कहा ठीक है कुछ मामूली होगा देख लेते हैं मामूलिया है, देख लेते हैं एंड ही 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 ट्राइड ट्राइड हिज हिज लेवल लेवल बेस्ट बेस्ट बट कुड नॉट डू कुछ नहीं हुआ बहुत लोग बीच में आए उन्होंने गाड़ियां रोकी रोक करके कहा सर कुड आई हेल्प यू बहुत लोगों ने मदद करने की कोशिश की मैकेनिकल इंजीनियर मोटरिस्ट बहुत लोग वहां पर आए है ना हर एक ने ट्राई किया लेकिन रिस्पॉन्स ये कि क्या हुआ गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और इट वॉज द इवन टाइम

बड़ा परेशान होके वो मोटरिस्ट हाईवे पर खड़ा था ही He हेल्पलेस क्या करूं और क्या ना करूं गाड़ी छोड़ के भी जाया नहीं जाता में देखा कि एक एक कार रुकी है और बुजुर्ग आदमी ना ऐसे कर सकते हैं हाथ में छाता और लेकर के उसने गाड़ी रोकी और वो छाता लेकर के आया यूं और आकर के खड़ा हो गया तो उसने पूछा कि क्या हो गया ऑब्वियसली सर कोई इतने दिन इतनी देर से अगर कोई परेशान है कोई आके बोलेगा क्या हो गया तो गुस्सा आ जाएगा समझ में नहीं आता है क्या इतनी देर से यहाँ पर खड़ा हूं है ना हुआ जो भी हुआ उसने कहा बताइए तो क्या हुआ उसने कहा सर कार स्टार्ट नहीं हो रही तो उसने बोला उस बुजुर्ग ने ये बोला कि शेल आई ट्राई सो मेनी पीपल केम सर सो मेनी पीपल केम यू नो एंड दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट मैकेनिकल इंजीनियर है मोटरिस्ट है सो मेनी एक्सपीरियंस पर्सन लाइक मी इन द ऑडियो बहुत लोग आए है, है ना सारी बातें हुई लेकिन कुछ हुआ नहीं आप क्या कर लेंगे उसने कहा कि एक बार ट्राई करके देखता हूँ अच्छा गुस्सा तो आया बहुत यानी सब था परेशान की, अब ये भी क्या क्या बोल रहे हैं। चलो देख लेते हैं उससे तो बोनेट उठाया और इस समय को बोलूंगा कि हम ऐसे करके जस्ट आप वन टू थ्री कीजिए वन टू थ्री हाँ वन टू थ्री कितना लगा समय ये आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है ना इंग्लिश में एक, एक बड़ी अच्छी कहावत है एट द ब्लिंकिंग ऑफ द आईज है ना yes. यानी पलक झपकते वन टू थ्री इतने में क्या होता है

आ, एक बात बता दूं कि अभी बैकड्रॉप में अभी जो हमारी सहायता कर रहे हैं हमारे दोस्त आप 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 हैं एक बार आकर के अभिवादन कर दीजिए सबका अच्छा लगता है ये अच्छा लगता है इट इज एंटायर टीम हाँ, ही इज ओके मां हाँ, तो आगे चलते हैं तो उसने कहा सर आप कुछ बोल नहीं रहे डू यू हैव योर विजिटिंग कार्ड तो बोला विजिटिंग कार्ड तो नहीं है क्यों चाहिए विजिटिंग कार्ड तो बोला आप बोल नहीं रहे हैं लेकिन आपने बहुत बड़ी मेरी मदद की है तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम आपके घर आऊँ एक बुके लेकर के आपको थैंक यू बोलू तो उसने बोला ओके okay, मैं नाम बता देता हूँ बोला नाम बताइए सर तो उसने कहा कि नाम मेरा है हेनरी हेनरी फोर्ड 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 और आप 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 जानते है आप जानते जानते हैं 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 कंपनी ना ही सेड आई एम द डिजाइनर ऑफ दिस कार इस कार को मैंने बनाया है आई हैव डिजाइन सो आई नो ईच एंड एवरी इस कार के बारे में सब कुछ जानता हाउ कम दैट विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू सोल्व इट उसने कहा क्योंकि मैंने इसको डिजाइन किया मैंने इसको डिजाइन किया है हाथ जोड़ करके एक बार फिर से आप लोग को प्रणाम और सिर्फ ये कहना चाहता हूं आप लोग टीचर हैं आप कंट्री की हालत जानते हैं आ, इसी कंट्री की नहीं आप युवा पीढ़ी की हालत को जानते हैं सब कुछ जानते हैं है ना ब्रोकन होम ड्रग्स डिप्रेशन बहुत सारी समस्याएं हैं है। घरों समस्या है के अंदर है ना टूटे हुए घरों से आते हैं माँ बाप की नहीं बनती होगी कुछ और होता होगा या तो ड्रग है या तो पीर प्रेशर इतनी सारी चीजें है कि सो मेनी पीपल सो मेनी स्टूडेंट्स दे हैव नाउ स्टैंडिंग स्टिल इन द हाईवे ऑफ देयर लाइफ अपने जीवन के हाईवे के अंदर शायद वो अकेले खड़े होंगे नो वन इज देयर और ऐसे टाइम में आप सबों का ये रोल है टू अपियर लाइक हेनरी फोर्ड उसकी तरह आपको वहां पर सामने आने की जरूरत है आपको ये बोलने की जरूरत है आने वाले समय में ताकि आप ये बोल सके ये बच्चा इसलिए अच्छा कर सका इस बच्चे को मैंने डिजाइन किया है इस बच्चे को मैंने सिखाया है तो थैंक यू वेरी मच अगर आ, इस कहानी के द्वारा आप को अच्छा लगा आप लोग मैसेज कर सकते हैं अगर मैसेज करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि मैसेज हमारा वहां तक जा भी रहा है तो yes. आ, आप सबों के लिए इ, इस शुभकामना के साथ कि आप भी आपका रोल भी वही हो जब हजारों लाखों बच्चे डिप्रेशन की हालत में बिल्कुल फेलियर बिल्कुल। की हालत में टूटे हुए परिवार की हालत में जब वो खड़े हों समाज आपसे या मैं इस समय कहूंगा हम सब आपसे उम्मीद करते हैं आप भी उसी तरह वहां पर प्रकट होइए विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप उनके जीवन की बहुत बातों के यदि हल कर दें तो मैं इस समय कहना चाहूंगा इट विल बी वंडरफुल आप लोग का आप लोग के मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं मोटिवेशन स्टोरी इंस्पायरेशन स्टोरी और क्या क्या, -क्या है नाइस nice. हाँ हाँ ठीक है गुड सो थैंक यू वेरी मच तो आज के संदेश की ओर चलते हैं तो होपफुली इट वाज वेरी रेलिवेंट है ना बहुत रेलिवेंट था ये और अब हम okay. चलेंगे आज के आज session. के कंटेंट की और आज के सेशन की ओर चलेंगे तो इस समय सबसे पहले स्लाइड की ओर हम चलते हैं एंड वी आर गोइंग टू सी समथिंग हियर और कुछ चीजें यहाँ पर तो अभी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन दिस प्रीवियस इन दिस सेशन नमस्कार बहुत बहुत आप लोग के साथ होना हमारा सौभाग्य है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और जितने लोग हैं इस समय जितने प्रतिभागी हैं सारे राज्यों का नाम हमने सुना और हर एक स्टेट को हम इस समय स्वागत करते हैं यहाँ पर और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आगे चलते हैं। एक सवाल के साथ अब हम आरंभ करना चाहते हैं और एक बात तो आप जानते हैं कि देर अ वेरी

Uh, it can be a e content, it can be a text also, it can be an image, it can be an audio, it can be a video, In it can be an interactive program, it can be anything, uh, it can be a, a simulation also. So, that is uh, made by the electronic gadget. This is our e content. So, this e content say everything that is digital. digital is the, is the yes. e content. We सकते. are producing through digital. Uh, <laughs> इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हाँ, आप लोग ये जानते होंगे लेकिन अब अगला सवाल एक आता है बड़ा है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रेडियो अलोकप्रिय है तो आ, मैं इस समय मैसेज बॉक्स में हम लोग इंतजार कर रहे हैं yes. आप लोगों आप लोगों को क्या लगता है इट इज वेरी इजी कि हम बोलते हैं नहीं है जी या है जी है ना हम ये बोल सकते हैं लेकिन इस सवाल का जवाब हमको चाहिए डू यू थिंक दैट द रेडियो हैज बिकम अनपॉपुलर आपको क्या लगता है तो आ, आगे चलते हैं इसी के बाद के स्लाइड भी हम चलेंगे आगे 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 देखते हैं कि क्या है, no. No. है नो अनपॉपुलर no. नहीं है और इन दिनों हम में से हर कोई ऐसा है कि जब आप करते है, ड्राइड ड्राइड करते हैं हुए एवरी आपका कॉस्मोपोलिटन सिटी yes, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम रेडियो से ही स्टार्ट करते हैं जैसे हम का कार ड्राइव कर रहे हैं तो रेडियो से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इट्स नो लेट नो ये तो मतलब अनपॉपुलर uh, नहीं है अगर हम मन की बात का भी एग्जाम्पल लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चूज किया और लार्ज पॉपुलेशन से बात करने के लिए ही चूज रेडियो ओनली सो मतलब अगर हमें लार्ज ऑडियंस तक पहुंचना है तो दैट इज बेस्ट मीडियम टू रीच हाँ, तो आ, एक बात यहाँ पर आ गई कि रेडियो अभी तक अनपॉपुलर नहीं है जी रेडियो अनपॉपुलर नहीं है और इस समय एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोग के साथ करना चाहता हूँ और वो ये है कि आ, अगर आप हाल के एक सर्वे को देखें वी कैन गो टू द सर्वे स्लाइड uh, like. uh, और यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज द द स्ट्रेंथ ऑफ रेडियो इसके बारे बार में में हम थोड़ी देर बाद बातचीत करेंगे इसको आप देख सकते हैं इस समय लेकिन मैं इस समय कुछ और बोल रहा हूँ कि अगर इस समय देखेंगे अगर इस समय खास तौर से देखेंगे तो आपको एक बात का पता चलेगा कि रेडियो जो है कॉस्मोपोलिटन सिटीज के अंदर अभी हाल में एक रिसर्च हुआ था और रिसर्च में यह पता चला कि सिक्सटी सेवन परसेंट यानी yes. प्रतिशत जो uh, बड़े शहरों की जो आबादी है जी. जो पॉपुलेशन है वो अपना जनमत या पब्लिक ओपिनियन वो रेडियो को सुनने सुन के, के, के द्वारा बनाते हैं है. रेडियो से लोग आजकल मूड भी बनाते हैं मैं आज की बात को याद कर रहा हूँ ड्राइविंग टुडे फ्रॉम होम तो फिर मैंने एफएम uh, लगाया सुनते सुनते बहुत आपका नहीं कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो रेडियो के द्वारा ये बाजार को भी नियंत्रण करता है सारी बातें तो रेडियो अलोकप्रिय किसी हालत में नहीं है ये वही रेडियो है जिसने जिसके कारण टाइटेनिक में डेढ़ हजार लोग बचा भी लिए गए दैट डेट वॉज अ रेडियो मार्कोनी तो अब हम आगे चलते हैं इसके बाद के स्लाइड में इस समय देखेंगे ब्लंट जी हाँ नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ रेडियो लेकिन इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन इस तरह करना चाहता हूँ हम लोग दोनों क्वेश्चन आंसर के रूप में ही बातचीत करेंगे तो आ, आज के दिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज के कोर्स का क्या मतलब है क्या जबरदस्ती इसे कि हमने लगा दिया कि रेडियो पर सुनना है तो रेडियो कौन सुनता है रेडियो का क्या मतलब है रेडियो uh, सेट uh, जैसा कि पहले हम सोचते थे कि एक मैकेनिकल सेट होना चाहिए और रेडियो uh, मतलब एक मैकेनिकल सेट से हम इमेजिनेशन करते थे लेकिन अभी रेडियो जो सेट है वो मैकेनिकल से कहीं बहुत ज्यादा परे है हम मैकेनिकल से हटकर हमें ऑडियो पर फोकस करना होगा अब पूरा ऑडियो हो गया नाउ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट दी ऑडियो और ऑडियो में अगर हम जाते हैं आजकल के टाइम के हिसाब से तो इट कैन बी अ पॉडकास्ट ऑल्सो आप पॉडकास्ट बना सकते हैं आप अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं वहां पे आप अपना कंटेंट दे सकते हैं

टेक्नोलॉजी uh, की आवश्यकता नहीं नहीं होती रिकॉर्ड करने के लिए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हुँ. जानना चाहता हूँ क्योंकि सारे टीचर्स हैं हुँ. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जस्ट थोड़ी देर के लिए आ, आधे डेढ़ मिनट के हुँ. हम ये बातचीत करेंगे क्योंकि कंटेंट इज सो मच तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है हुँ. उसके कंसर्न में रेडियो uh, को हम कैसे जुड़ेंगे uh, अभी जैसे कि ई विद्या भी बात करता है कि हमें अपने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को इंक्रीज करना है right, और right. हमें थ्रू कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कंटेंट शेयर करना है mm -hmm. तो हमारे पास भी वी हैव अराउंड टू फिफ्टी सिक्स कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसी बात पर जोर देती है कि हमें अपनी जो रीच है बहु भाषाओं में बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में अपने ऑडियंस तक पहुंचानी है हाँ तो दीक्षा पोर्टल अगर आ, हमारे सारे ये टीचर्स जानते हैं अगर दीक्षा पोर्टल की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जोर दिया गया है कि ब्रॉडकास्टिंग थ्रू ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग थ्रू एफएम रेडियो और कम्युनिटी रेडियो है ना तो बट वाई रेडियो वाई रेडियो क्यों नहीं टेलीविजन क्या क्यों ऐसा मतलब दीक्षा पोर्टल क्या बोलता है जी जैसे कि रेडियो की अभी मैंने बात की कि रीच बहुत ज्यादा है अगर हमें ट्राइबल एरियाज में पहुंचना है बहुत फार फ्लंग एरियाज तक जाना है तो हम रेडियो की वेव्स के थ्रू पहुंच सकते हैं और ऐसा माना जाता है की सनरेज के बाद जो रेडियो वेव्स है राइट, वो पूरी अर्थ को कवर करती है सूरज तो के प्रकाश के बाद ही रेडियो की जो वेव्स है वेरी वेरी ट्रू ट्रू हम बहुत लार्जर ऑडियंस को अगर हमें कम्युनिकेट करना है अपना मैसेज देना है तो दैट इज द बेस्ट मीडियम रेडियो रेडियो को अगर मैकेनिकल सेट को छोड़ के हम वे फोकसिंग ऑन ओनली ऑन ऑडियो हाँ वो जो स्क्रीन में आपको बड़ा सा रेडियो दिख रहा है दिख्षा वो आजकल इनफैक्ट आजकल दिखता नहीं है आजकल ये दिखता नहीं है ना रेडियो एवरीवेयर चाहे ये पॉडकास्ट हो कुछ हो आपका मोबाइल सर मोबाइल्स को मैडम yes. अपने अपने, right. कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रेंथ तो, ऑफ रेडियो जी। uh, हर एक मीडियम का कोई ना कोई स्ट्रेंथ हो सकता है इसको हम क्या इसको हम क्या कहेंगे की हर एक माध्यम की कोई ना कोई शक्ति होती है तो स्ट्रेंथ ऑफ रेडियो क्या क्या हो सकता है आपके साथ ये हम शेयर करेंगे बाद में लेकिन यहाँ पर देखेंगे पॉइंट नंबर वन Uh, इससे हम क्या समझ सकते हैं मोर इकोनॉमिक uh, हमें बहुत बड़ा अभी मैंने जैसे कि अभी जिक्र किया था कि बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं चाहिए एक हमारा फोन भी इज़ीली इकोनॉमिक छोटा फोन भी जिसमें हम एफएम चला सकते हैं या ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वो आप यूज कर सकते हैं ऑडियो के लिए कंटेंट शेयर करने के लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ा स्टूडियो हो, कुछ हो, ऐसा कुछ ऐसा नहीं। कोई जरूरत तो है ना yes. आ, आसानी से इसको हम मूव कर सकते हैं मूव कर सकते हैं लेके जा सकते हैं किसान जा रहा है साइकिल लेकर तो आपका रेडियो भी बज रहा है मोबाइल में भी सुन रहा है तो इट इज वेरी इजिली आपका मूविएबल और हम भी इसके साथ साथ मूव कर सकते हैं जैसे कार चला रहे हैं तो आप आराम से सुन सकते हैं रेडियो तो देट इज ऑफ़ रेडियो हाँ डांस कीजिए नाचिए गाइए है ना जॉगिंग कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं तो रेडियो आपके हर कदम के साथ, साथ हर पल आपके साथ चलता है ना नहीं तो आ... एक हल्का सा मजाक करता हूँ हल्का सा मजाक की टीवी का तो यह हाल है कि एकदम देखने की आदत हो जाती है ड्राइंग रूम में यहाँ पर टीवी लगाए जी है ना स्क्रीन को देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है टीवी और मैं यहाँ पर बैठा हूँ है ना और डेली वहां पर बैठने से बाद में सोफे में मालूम पड़ जाता है बैठते कहा पर है ना? तो यहाँ पर देखिए <laughs> Uh, हंसना भी चाहिए ना हंसना भी चाहिए कि ये मतलब बैठने की जगह भी सेट हो जाती है रेडियो के साथ एक बात है कि आप चाहे पार्क में जाए जहाँ भी जाए प्ले बैक अ गुड म्यूजिक एंड यू कैन एन्जॉय एनवायरनमेंट है ना तो अब आगे चलते हैं इट अलाउस मल्टी टास्किंग जैसे वाइल रीडिंग यू कैन प्ले योर रेडियो एंड यू कैन लिसन सम गुड म्यूजिक और हाँ। जब आप किचन में हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं वॉक कर रहे हैं कुछ अच्छी स्टोरी सुन सकते हैं कुछ अच्छा कंटेंट सुन सकते हैं तो ये आपको मल्टीटास्किंग अलाउ करता है हाँ, आगे तो, चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि वाइडर रीच इन टफ ज्योग्राफिकल कंडीशन अभी अभी आपने बोला था जी, हाँ। अभी अभी बोला था कि जो जो ज्योग्राफिकली बहुत दुर्गम क्षेत्र है क्या बोलेंगे रेडियो पहुंच सकता है कोटेशन आपने दिया था की सूरज की किरणों के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई चीज अर्थ को कवर करती है तो रेडियो की वेब है इट कैन ऑल्सो रीच इन टोग्राफिकल कंडीशन उसके देखते हैं मोर इफेक्टिव यस yes, अगर हम बात करें कि जैसे अगर वेव्स की बात करें तो जो रेडियो वेव्स हैं वो जैसे क्लाइमिटीज है नेचुरल क्लाइमिटीज हो गई हाँ, हाँ, और बहुत सारे जैसे अर्थ केक वगैरह है तो इसके जो सिग्नल्स हैं वो मतलब आपको रीच कर सकते हैं सिग्नल्स भी मतलब डिस्टर्ब दिस्टर, नहीं होते हैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं एट द टाइम ऑफ नेचुरल याद है कि साइक्लोन आया था एक बार वो ऑलमोस्ट और श्रीलंका में भी, भी एक बार जब बहुत भारी जब तूफान आया तो सारे जितने टीवी के एंटीना है वो टूट गए थे गिर गए थे और हाहाकार मचा हुआ था लोग बिल्कुल ढूंढ रहे थे कि हमारे डियर वंस कहा पर हैं ध्यान के साथ सुनिएगा आई एम गोइंग टू यूज अ वंडरफुल वर्ड ऑन दैट टाइम रेडियो अपियर एज एन एंजल ब्रिंगिंग द गुड न्यूज कि आ, अगर इस समय राहत शिविर में कुछ लोग हैं और इस समय अपने डियर को ढूंढ रहे हैं तो आपको बता दें कि इस नाम का एक व्यक्ति हमको मिला है और लोग बहुत खुश होते थे यानी पीपल टू यूज टू लिसन टू द रेडियो शायद कोई अच्छा समाचार आ जाए जी. तो रेडियो इज दैट और लास्ट में हम इस समय जाते हैं एक बहुत अच्छा पॉइंट है नो स्क्रीन टाइम जी हाँ स्क्रीन टाइम पर तो आपका अधिकार है बोले जी स्क्रीन टाइम जैसे कि अभी कोविड में मैं बहुत एग्जांपल दूंगी कोविड के टाइम पे कि क्या है बच्चे ना खेलने के लिए भी डिपेंडेंट हो गए थे स्क्रीन पे वो फोन पे खेल रहे थे हाँ दे आर स्टडिंग ऑन फोन ओनली यस यस तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो सिर्फ स्क्रीन ही देख रहे थे तो उस टाइम पे स्क्रीन टाइम भी लिमिट किया गया था बच्चों की आईज को देखते हुए तो यहाँ पे रेडियो के साथ क्या है कि आपको बहुत ज्यादा स्क्रीन नहीं देखनी है देखनी ही नहीं है स्क्रीन और आप चलते चलते आराम से कहीं भी मूवी मूव करते मल्टीटास्किंग अलाउ तो करता ही है हुँ. तो आप रेडियो सुन सकते हैं और एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी जो छूट गया है ये ना मोर इमेजिनेशन का स्कोप भी रहता है लाइक कि टीवी अभी सर ने बात की कि टीवी इज अ पैसिव मीडियम कि जो दिया जा रहा है टीवी में वो वो जो परोस रहे हैं वही हम खा रहे हैं जो दिखता, दिखता है दिख रहा दिखता है वही दिख रहा है, yes, तो दिखता हाँ। है दिखता। लेकिन रेडियो अलाउज अस टू तो इमेजिन जैसे कि क्या है कि आप बहुत इमेजिन कर सकते हैं अगर आप छोटे बच्चे की बात करें तो उसका जो लाइन है वो किसी भी कलर का हो सकता है अकॉर्डिंग टू हिज और हिज इमेजिनेशन हिज और हर इमेजिनेशन

<laughs> अच्छा धन्यवाद हाँ, हाँ, <laughs> देखते हैं।, हैं आप लोग आप लोग बताएंगे yes, कि जी अभी दिख रहा है क्या यस सर यस सर ओके अच्छा दिख रहा है ना देख क्या पता जो हमको दिख रहा है आपको दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है ब्रॉडकास्टिंग लिखा हुआ है क्वेश्चन ब्रॉडकास्टिंग राइट वही दिख रहा है वही दिख रहा है तो इस समय एक एग्जाम्पल लेंगे इसको निकाल दे है तो Here is a term ज अ टर्म दल्ड द ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन अभी जो हम कह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है में से हर एक को जानने के लिए ब्रॉडकास्टिंग इज अ टर्म अक्सर हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग वट इज ब्रॉडकास्टिंग इंग्लिश के अंदर संधि विच्छेद तो नहीं होता है लेकिन हम इसको संधि विच्छेद कर सकते हैं ब्रॉड प्लस कास्टिंग वी कैन सी है ना तो ब्रॉड मतलब बहुत चौड़ा बहुत फैला हुआ बहुत विस्तृत बड़ा एरिया हाँ बड़ा एरिया और कास्टिंग मतलब डालना होता है टू पुट हाँ जैसे हम बोलते हैं कि फिशर आ, आ, आपका ये आपका फिशरमैन आर कास्टिंग देयर नेट नेट डालना तो उसका मतलब कि क्या हुआ तो ब्रॉडकास्टिंग से क्या समझेंगे हम जब जब हा? हम मैग्नेटिक सिग्नल्स जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक सिग्नल्स हैं एक बड़े भूभाग पर बड़े एरिया पर थ्रो करते हैं दैट इज ब्रॉडकास्टिंग जो एक बड़े एरिया को कवर करता है उसको हम ब्रॉडकास्ट बोलते हैं जैसे कि अभी आप हमसे जुड़े हुए हैं आ, अभी तो हम इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए अच्छा, अपना ले आप लोग जिन जिन स्टेट के अंदर है और इस समय हल्का सा एक एग्जाम्पल लेते हैं ना जी। आप सभी श्रोताओं का आज के कार्यक्रम उमंग में बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैं हूं अजीत होरो और मेरे साथ हैं विमलेश चौधरी आज के कार्यक्रम में श्रोताओं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और इस समय आपको हम बता दें हम इस समय अः सी आई टी एन सी टी के दिल्ली केंद्र से बोल रहे हैं बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय तुरंत हमें एक मैसेज मिला है और ये मैसेज हमें मिला है वॉशिंगटन डीसी से राइट आ, वो हमारे प्रसारण को इस समय सुन रहे हैं और एट द सेम टाइम और कहा से से हमें ये एक मैसेज प्राप्त हुआ है झारखंड से और साथ साथ ही हमें मध्य प्रदेश से भी एक मैसेज प्राप्त हुआ है जी हाँ तो झारखंड और मध्य प्रदेश और बिहार और हमारे इन सभी श्रोताओं हो को जोहार हमारी बोलना तो बनता ही है जोहार तो बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद तो इस समय जैसे कि आप लोगों ने सुना श्रोताओं की हमने आपको बताया कि इस समय सबसे पहले हमें मैसेज है वाशिंगटन से वाशिंटन। और इस समय झारखंड के रांची से आया है और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि इस समय असम से भी मैसेज है और मध्य प्रदेश से भी भोपाल से मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि संदेश यहाँ पर आ रहे हैं तो हमने इतना क्यों बोला हमने इससे बोला कि जब इस समय हम बातचीत कर रहे हैं हम दिल्ली से बोल रहे हैं लेकिन ब्रॉडकास्टिंग कहाँ तक जा रही है अलग अलग स्टेट अलग अलग स्टेट बहुत बड़ा एरिया है मतलब दिल्ली से भोपाल की दूरी बहुत है ओके okay? वॉशिंगटन तो खैर भूलिजिए मतलब वो तो बहुत दूर वो तो हजारों किलोमीटर है अभी हम लोगों ने एक बात और की कि हम झारखंड से सुन रहे हैं तो डिस्टेंस बहुत है है ना सो द डिस्टेंस इज ब्रॉड एंड वी आर कास्टिंग आवर सिग्नल इन ब्रॉड एरिया बोलने का मतलब अपने रेडियो सिग्नल्स को भेजते हैं तो वो ब्रॉडकास्टिंग कहलाते हैं तो दिस इज ब्रॉडकास्टिंग वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट आई मीन टर्म इस समय देखते हैं कि अगला क्या है जी हाँ अगला इस समय देखते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा आगे आगे चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं दिस इज द कास्टिंग जी, तो ब्रॉड का उल्टा नेरो हो, नेरो हो गया जी, तो आप जरा बताएंगे कि जब इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक सिग्नल्स एक नैरो एरिया पे एरिया से मतलब है दस से बारह किलोमीटर की एट कैन बी अरेंज

तो फॉर्मेट क्या होता है जैसे विमलेश जी के बारे में आपने सुना भी कि आप आप यहाँ क्या करती हैं मैं रेडियो प्रोड्यूसर आप रेडियो प्रोड्यूसर देखिए अभी मैं इसे क्वेश्चन करूंगा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मैं क्या क्वेश्चन करता <laughs> कुछ बातें सामने आएंगी तो आप आ, क्या काम करती हैं सर मैं प्रोग्राम बनाती हूँ आप रेडियो प्रोड्यूसर है ना जी तो आप आप क्या प्रोग्राम बनाती हैं सर मैं रेडियो प्रोग्राम बनाती हूँ सर नहीं रेडियो प्रोग्राम लेकिन क्या प्रोग्राम रेडियो प्रोग्राम इज ओके लेकिन क्या बनाती हैं आप सर ऑडियो प्रोग्राम सर ऑडियो <laughs> प्रोग्राम हाँ ऑडियो प्रोग्राम ठीक है ठीक है लेकिन आ, कुछ तो इसकी कैटेगरी होगी मतलब क्या बनाती हैं सर मैं प्रोग्राम बनाती सर आ, वो अच्छा बोलना चाहते हैं जो रेडियो में सुनाई देता है जी, <laughs> जो सुनाई देता है ऑडियो है ना और कुछ बनाते हैं क्या होता है तो आपका कंटेंट ऑडियो होता है अच्छा चलिए ओके तो अभी आपने देखा कि हम बातचीत कर रहे थे हाँ और आपने कहा कि नहीं हम तो ऑडियो बनाते हैं तो... प्रोग्राम बनाते हैं हाँ, प्रोग्राम बनाते, हैं तो क्या बनाते हैं तो सुनाई देता है, है ना ये इंपॉर्टेंट बात, तो बात यह है कि इंटरनेशनली एक ग्रामर है कार्यक्रमों के निर्माण का एक व्याकरण है हम ऐसा कहेंगे है ना तो कार्यक्रमों के निर्माण का एक व्याकरण है और दिस इज इंटरनेशनली एक्लेम्ड ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत है है ना अगर ये बोलती रहे या मैं बोलता हूँ हाँ तो नहीं। नहीं। यदि आप, तो आप मुझको जवाब देंगी हम अगले हम अगले में आते हैं और इस समय आते हैं तो फॉर्मेट का मतलब हो गया प्रारूप या प्रस्तुति की विधा हम हमारे ऐसा बोल सकते हैं अगले स्लाइड में इस समय हम देखते हैं राइट तो अभी मैं पूछता हूँ कि विमलेश जी आप क्या बनाती सर मैं रेडियो डॉक्यूमेंट्री बनाती रेडियो डॉक्यूमेंट्री है ना दिस इज द फॉर्मेट ये फॉर्मेट नंबर वन है सर और ये फॉर्मेट नंबर वन है सारी मैडम्स को मैडम बोलना चाहते हैं कि फॉर्मेट नंबर इन द द रेडियो इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री 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 तो अगर इंटरनेशनली आप किसी को कहेंगे हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं अपने स्कूल की हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई अपने किसी सक्सेसफुल स्टूडेंट की जो दिव्यांग है उसके सक्सेसफुल उसकी सक्सेस स्टोरी पर हमने कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाई तो बात समझ में आ बिल्कुल

डॉक्यूमेंटेड इट कैन बी अ प्रिंट मटेरियल आपको कोई न्यूज़पेपर की कटिंग हो सकती है कोई ऑडियो फाइल हो सकती है अब ऑडियो लेकिन ऑथेंटिक सोर्स से होनी चाहिए ऐसे नहीं कि कहीं से किसी ने शेयर कर दी और हमने ऑडियो को वो ऑथेंटिक मान लिया तो उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कोई वीडियो प्रोग्राम हो सकता है वीडियो क्लिप हो सकती है और टेबलेट uh, हो सकती हैं, इंस्क्रिप्शन हो, है, right. हो सकते हैं इट कैन बी अ डायरीज फोटो लेटर लेकिन सबकी हमें ऑथेंटिसिटी चेक करना बहुत जरूरी है कि किसी ने हमें शेयर कर दिया हम उसको डॉक्यूमेंट नहीं मान सकते जो कहीं रिटर्न डॉक्यूमेंट hmm. है जिसकी ऑथेंटिसिटी है दैट इज फैक्ट एंड दैट इज कैन बी यूज्ड इन डॉक्यूमेंट्री हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर एक ऐतिहासिकता होनी, होनी, होनी भी चाहिए भी। एक एक होनी चाहिए ना ना यानी फैक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट छोटा सा सा ड्रामा ड्रामा है हल्का करते हैं इसी बात को समझाने के लिए कि डॉक्यूमेंट्री कैसे बनेगी तो इस समय आ, आप इमेजिन करें कि आ, इस समय ऐसे भी आप रेडियो डिपार्टमेंट को आप देखती है तो इस समय जैसे इमेजिन करें कि आप हेड हैं इस समय और मैं प्रोड्यूसर हूं मैं अपने रूम में बैठा हूँ बड़े आराम से हाँ तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है राइट तो मैं अपने रूम में बैठा हूं और आप हेड हाँ, है राइट जी. अच्छा आगे चलते हैं बहुत अच्छा इस समय लगेगा तो अब इमेजिन करें कि मैं रूम में बैठा हूं और आ, मैं बातचीत कर रहा हूँ मयंक जी के साथ वी आर ओके और अब मेरे पास एक कॉल आता है डिपार्टमेंट का जी अब अब सुनिएगा ट्रेन ट्रेन अजीत सर है हेलो अजीत जी हाँ जी मैडम जी आ, सर आप जरा रूम नंबर में आएंगे सर रूम नंबर ठीक है आता हूं मैं कोई समथिंग इंपॉर्टेंट जी सर बात करनी थी अच्छा अच्छा ओके 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 जी. तो मैं आता हूँ अभी जी तो मैं आ गया हैव अ सीट सर जी थैंक यू वेरी मच जी थैंक यू सर सर आपको ना एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो सब्जेक्ट तो कुछ होगा ना हाँ ये ना आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है आपको तो पता ही है तो इस पर आपको डॉक्यूमेंट्री बनानी है और आपके पास अच्छा डॉक्यूमेंट्री बनानी है ठीक है वो तो लेकिन कोई अक्सर ये होता है कि आ, आप कल बना दो परसों जी। बना दो ऐ, ऐसा कोई डेडलाइन है बिल्कुल डेडलाइन है आपको ये दो दिन में बना के देना दो दिन में जी दो दिन में मैम ये तो पॉसिबल ही नहीं है नहीं नहीं आपको मिनिस्ट्री का है अरे नहीं हो सकता दो दिन में मैम क्योंकि दिक्कत ये अरे आप तो जानती जी दिक्कत ये की देखिए मैम अब आपने बोल दिया आजादी का अमृत महोत्सव दिक्कत मेरी ये होगी की इसके लिए मुझको जाना पड़ेगा जगह जगह ना रिसर्च की जरूरत पड़ेगी जैसे मुझको जाना पड़ेगा एक तो आप मुझको चिट्ठी दे दिए हाँ, हाँ, मुझको आकाशवाणी जाना है वहां से जो साउंड बाइट है वो लाने हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी मुझको जाना पड़ेगा वहां से भी तो कम से कम रिसर्च करने मुझको दो तीन दिन तो चाहिए ना विदाउट रिसर्च और आपने बोला डॉक्यूमेंट्री कोई काल्पनिक कहानी होती मैं बैठे बैठे अभी बना लेता लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंट्री है तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए कि कम से कम दो तीन दिन का और गैप दें तो मुझको कितने दिन की मोहलत मिलेगी ठीक है सर आप अपना टाइम लीजिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में हम सभी जानते हैं कि रिसर्च करनी पड़ती है जैसा कि सर ने बताया हा हा। आपको एआईआर जाना पड़ेगा आर्काइव से वहां से कलेक्ट करना पड़ेगा हो सकता है कि आपको दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी भी जाना पड़े लाइब्रेरी में आपको तो रिसर्च करनी पड़े तो बहुत सारी चीजें आपको जोड़ा जोड़नी पड़ेंगे तो इस... कम से कम तीन दिन की अनुमति है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा थैंक यू वेरी मच की तीन दिन की अनुमति हुई क्यों मैंने अनुमति ली माय डियर फ्रेंड्स अनुमति इसलिए ली रिसर्च की आवश्यकता होती ऑथेंटिसिटी की है ना अगर काल्पनिक उड़ान उड़नी है तो अभी उड़ना शुरू कर दिए लेकिन ऐसा है नहीं है ना तो डॉक्यूमेंट्री इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड फॉर दैट वी नीड टू हैव द रिसर्च एक बात और होती है कि जैसे मान लिया कि आ, आपने आजादी का अमृत महोत्सव बोला तो आजादी के अमृत महोत्सव में एक बड़ा एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना थी जलियां वाला बाग बिल्कुल तो उसके लिए तो आ, मुझको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना कि मुझको मालूम करना पड़ेगा फायरिंग हुई तो ए के फोर्टी सेवन तो थी नहीं तब हाँ। तो कौन सी गन रही होगी वो साउंड कैसे करते में। थे में। उस समय म्यूजिक कैसी थी तो आई आई हैव टू गो थ्रू एवरी डिटेल है ना तो इट नीड्स द रिसर्च तो uh, आपको साउंड इफेक्ट्स भी लगाने हैं या म्यूजिक लगाना है उस टाइम का तो आपको रिसर्च करके लगाना है अभी जैसे सर ने जिक्र किया कि -47 नहीं थी उस टाइम तो कौन सी राइफल्स चलती थी कैसे चलती थी उसका साउंड इफेक्ट कैसे होगा अगर हम थ्री नॉट थ्री जैसे कि हमें पता है कि वो उस टाइम पे थ्री नॉट थ्री चलती डालेंगे ऐसे नहीं की डिशक्यू डिशक्यू डिश्यू ऐसे नहीं डाल सकते नहीं है फट फट करके आवाज आती थी तभी तो ऑथेंटिसिटी होती है तो ऐसा अगर नहीं करते हैं तो फिर ये स्टूडेंट्स के साथ मजाक ये वी नीड टू गो टू सीटेड रिसर्च अगले फॉर्मेट में चलते हैं क्योंकि समय तो ऐसे दिन भर आराम से निकाल सकते हैं लेकिन आगे चलते हैं एक और यहाँ पर फॉर्मेट आ रहा है दैट इज डॉक्यू ड्रामा ड्रामा Uh, ये फॉर्मेट नंबर टू है आप लोग नोट कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड डॉक्यू ड्रामा राइट तो डॉक्यू ड्रामा का संधि विच्छेद करें डॉक्यूड इज बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट प्लस ड्रामा प्लस ड्रामा ड्रामा इज आल्सो बेस्ड ऑन फैक्ट्स ओनली हाँ अगेन ड्रामा इज आल्सो बेस्ड ऑन्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट है ना तो ये बात हुई हुँ. तो uh, लेकिन हम लोग को क्यों डॉक्यू ड्रामा की जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्री तो ठीक था डॉक्यूमेंट्री uh, में क्या होता है मेनली हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू आर्टिस्ट रखते हैं एक मेल हो हाँ. सकता है एक फीमेल हो सकता right, है या सिंगल वॉइस में भी कर सकते right, हैं हुँ. लेकिन जहां हम डॉक्यू ड्रामा की और बात करते हैं तो वहां पे मल्टीपल आर्टिस्ट हो सकते हैं मोर देन फाइव और सिक्स आर्टिस्ट तक हम एक रेडियो प्रोग्राम में हम उनको ले सकते हैं और जैसे नरेटर्स हो गए बीच में हम ड्रामा पोर्शन ऐड कर सकते हैं जैसे अभी बाग का ही ले लेते हैं हाँ। तो उसको श्रोताओं हाँ, तो आज आपके सामने हम एक डॉकी ड्रामा प्रस्तुत करने जा रहे हैं मैं हूँ आपका दोस्त अजीत और मेरे साथ आज के प्रसारण में है विमलेश जी।, जी और सी आई टी एनसीआर के इस प्रसारण में आप सबों का हार्दिक स्वागत है नमस्कार नमस्कार अब देखिए नमस्कार में हमने हाथ जोड़ा आप हमको देख तो नहीं रहे ना जी लेकिन अगर हम हाथ जोड़ते हैं अगर हम अगर हम स्माइल करते हैं आप भी फील करेंगे कि हम स्माइल कर रहे हैं जी अगर मान ली हमने बोला हाँ श्रोताओ नमस्कार सुन लीजिए तो आप भी बोलोगे हटाओ रेडियो इज कॉल्ड द स्विच ऑफेबल मीडियम अरे हटाओ परे अरे कौन सुनता है एक बड़ा बोर अनाउंसमेंट करता हूँ देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम है ना जलियां वाला बाग बोलेगा हटाओ पर है ना मतलब इस इसको तो सुन के इतना डिमोटिवेटेड हो इफ इफ यू हैव द एनर्जी अगर अंदर में एनर्जी है यू कैन इंपार्ट द एनर्जी है ना देखिए माइक और एक बार लेता हूँ एक बड़ा अच्छा सा मैं आधा बोलूंगा आधा आप बोलेंगे अ वेरी फेमस कोट है ना इफ यू स्माइल विद अ माइक्रोफोन The world is going to smile with you. The world is going to smile with you. And if you are going to cry with the microphone, the world is going to cry with you. हाँ तो बेशक आपको श्रोता देख नहीं रहे लेकिन अगर हम यहाँ अब देखिए हम लोग की आदत होगी कि हम लोग हाथ जोड़ देते हैं ना क्योंकि <laughs> हाथ जोड़ रहे हैं तो अगला भी उस प्रणाम को फील कर सकता <laughs> है।, कर सकते है तो हम ड्रामा में आते हैं तो श्रोताओं ये बैसाखी का दिन था और बैसाखी का दिन था और जलिया वाला बाग में भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही थी और वहां पर बहुत सारे राष्ट्रीय नेता वहां पर आए हुए थे और वहां पर लगातार वहां पर लोग जनता को संबोधित कर रहे थे और जलियां वाला बाग में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी और श्रोताओं आपको बता दें कि जलियां वाला बाग में दरवाजा मात्र एक, एक था।, था और उसी समय देखिए डॉकी ड्रामा यहाँ तक मैंने डॉक्यूमेंट बोला है ना अब देखिए ड्रामा में आ रहे हैं और उसी समय साउंड इफेक्ट आ रहा है खट 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 है ना चलने का हाँ हाँ ये आपका मिलिट्री के बूट आ रहे हैं महा डालूंगा इन लोगों को हमने इन्हें इस बात के लिए कहा था हमने नोटिस इशू किया था कि कोई यहां पर जमा ना होने पाए इनकी ये हिम्मत अब एकदम वहां पर सन्नाटा हो गया है ना डायलॉग्स मतलब ऑथेंटिसिटी तो है डायलॉग्स में लेकिन ये क्रिएट किए जा रहे हैं एक क्रिएट कर रहे हैं लेकिन हुँ। हुँ। हुआ ऐसी जनरल को हम जानते हैं है ना तो ड्रामा के इफेक्ट के द्वारा आई से फायर है ना उसके फिर गोलियों की आवाज चल रही है और अचानक हमने बंद किया उसके उसके बोलना शुरू किया और श्रोताओं जब गोलियां चलनी शुरू हुई लोग भागने लगे जिसको जहां समझ में आया जान बचाने के लोग भाग रहे थे और आपको एक बात बता दें कि जलिया वाला बाग में मात्र एक ही कुआं था जी। जान बचाने के बहुत लोग उसी कुएं में कूद गए और थोड़ी देर के बाद वहां पर मंजर ये था रक्त रंजित लाशें वहां पर पड़ी हुई थी उसके बाद फिर आगे चल के हमारा जो नरेशन पार्ट है वो आएगा। और आज हम सेकेंड सेशन में ये भी देखेंगे ड्रामा हम कैसे बनाएंगे हम वो भी देखेंगे तो ठीक <laughs> लग रहा है ना <laughs> राइट आगे चलते हैं आगे चलते हैं बहुत अच्छी जगह पर चल रहे हैं नाउ वी आर गोइंग टू समय भी उतना नहीं है इसलिए देखिए आपको पूरा डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा वट इज आर नेक्स्ट फॉर्मेट इट्स अ रेडियो मैगजीन ओके इट्स अ रेडियो मैगजीन ओके तो uh, इस समय ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा uh, मैं इस समय कोई एक ये किये ले लू रेडियो मैगजीन जी uh, क्या समझ सकते हैं रेडियो मैगजीन से थोड़ा सा आइए आइए अपना अपना दिमाग लगाते हैं अपना अपना दिमाग लगाते हैं एक डेमो आपको देना चाहते हैं है ना और आ ये तो इसे मैगजीन तो है नहीं हाथ में जो कॉपी वो लेकिन आप भी आ जाओ जी यहाँ पर जाओ इधर अच्छा ओके तो अब जैसे ये एक मैगजीन है, है? तो आ, रेडियो मैगजीन रेडियो मैगजीन का क्या मतलब हो? तो ये स्कूल मैगजीन जी। तो मुझको याद है जब स्कूल मैगजीन छप के आती थी तो मैं क्या करता था फिर सूंघ हाँ, के देखता था नई किताबों को आनंद है, ना। के आई है, है ना, बहुत सबसे में मैंने देखा यहाँ पर क्या है ये स्कूल के बारे में इंट्रोडक्शन मैगजीन के बारे में हाँ ये कवर पेज यहाँ पर यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग बहुत बढ़िया यार जितना बढ़िया छपा है उतना बढ़िया तो साफ सफाई चाहिए है ना थोड़ा सा कोई बात नहीं गुड 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 पेज नंबर टू वी आर कमिंग शायद आप लोग को दिख रहा होगा हम पेज नंबर टू में आ गए यहाँ पर ये एडिटोरियल है जी. और ये प्रिंसिपल uh, सर ने दिखा है अच्छा थोड़ा सा पढ़े थोड़ा भारी भरकम तो है है ना लेकिन ओके गुड 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 ठीक है पेज hmm. हम पलटते हैं तो वाह यहाँ पर क्या है पेज नंबर तीन में क्या है अरे वाह uh, अरे दिस स्टोरी अब, <laughs>

पृष्ठ उलटते गए जी तो कंटेंट बदलता चला जाता कंटेंट है। बदलता चला गया जी मैगजीन में यही तो होता है ना आप लोग को हम देख सकते हैं सर हिलाइए राइट right. <laughs> तो है है <laughs> तो मैगज़ीन तो मतलब जो रेडियो का कंटेंट है वो बदले <laughs> बदलता जाता है उसका एक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं श्रोताओ आज के कार्यक्रम में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है और <laughs> इस समय आप सुबह के समय आठ बज रहे आप इस समय ड्राइव कर रहे होंगे अच्छी तरह से Uh, अपना ख्याल रखिए है ना मैं भी जैसे लगातार बोल रहा हूँ तो श्रोताओं uh, इस समय सबसे पहले आइए सुनते हैं लुडविग वॉन बिथोबन का एक रिसाइटल एक पियानो रिसाइटल और आई बिलीव दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय टू दिस वंडरफुल म्यूजिक पीस ये आपको बहुत अच्छा लगेगा बट माई डियर फ्रेंड्स टू ब्रेथ सिर्फ वॉन लुडवीवन का ही संगीत नहीं इसके बाद हम लेकर के आ रहे हैं कुछ और लेकिन क्या है वो अभी हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि नहीं तो फिर आश्चर्य कैसे रहेगा सो वी आर गोइंग टू गिव सरप्राइज ओके सो इट इज द म्यूजिक रिसाइटल एंड नाउ अभी आपको हम एक क्या सुनाते हैं आ, आवाज सुनाते हैं जी. और आपको पहचानना है कि ये आवाज किसकी है? आवाज किसकी है है ना? तो अब में बोल करके पैदा नहीं, छोड़ के नहीं। तो बोलेंगे ठीक है सुन लीजिए आप भी सुन लीजिए हम भी सुन लेते हैं बोलेगा <laughs> <laughs> ऐसे होता है ना तो देट इज कॉल्ड रेडियो मैगजीन राइट अच्छा आगे चलते हैं जस्ट हाफ एन आवर है तो समय थोड़ा सा कम है तो आ, क्या क्या हो सकता है रेडियो मैगजीन में जी ये एक सॉन्ग हो सकता है जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे आपको दिखा रहे थे जैसे जैसे पेज पे, बदल रहे थे वैसे वैसे कंटेंट चेंज होता है इट कैन बी अ ड्रामा कि एक इंटरव्यू भी हो सकता है आप कोई पोएम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आप कोई स्टोरी भी लिख सकते हैं ये कोई एक टॉक फॉर्मेट भी हो सकता है ये पैनल डिस्कशन भी हो सकता है तो ये आपका जो चॉइस ऑफ कंटेंट है आप किस कंटेंट कैसे बनाना चाहते हैं कैसे क्रिएट करना चाहते हैं ये उस फॉर्म में हो सकता है रेडियो मैगजीन आप पन्ने पलटते गए कंटेंट गया, जी। है ना तो रेडियो कार्यक्रम में भी यही होता है बोलते गए अभी, कुछ और, हाँ, अभी कुछ और कर रहे हैं अभी कुछ और कर रहे हैं जैसे अभी विमलेश जी ने बताया दैट इज कॉल्ड द रेडियो मैगजीन इसको आप स्कूल में कैसे अप्लाई करेंगे जी. ये बात अभी हम करेंगे बहुत जल्दी लेटस गो टू द नेक्स्ट फॉर्मेट नाउ यस आगे चलते हैं राइट right. अब यहाँ पर आप इसको एंजॉय करने वाले राइट सो right. so, क्या फॉर्मेट है ये uh, radio feature. Radio feature. तो feature जैसे आप सुनते हैं कई बार आइए देखते हैं feature film. जी. है ना फीचर से क्या समझ में आता है आ, पहले हम ये बात करेंगे कि फीचर जब हम बोलते हैं तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फीचर क्या है जैसे कि हम किसी के फीचर के बारे में बोल सकते हैं कि आ, मतलब फेयर आपका कॉम्प्लेक्शन इज वेरी फेयर है ना आ, या

फीचर का मतलब ये हुआ तो फीचर का मतलब होता है कि हम आउट ऑफ सो मेनी थिंग्स हम एक बात को हाईलाइट करते हैं जी इसके लिए कोई एग्जाम्पल देंगे आप सर यहाँ पर एनसीआर टी में हम ज्यादातर ये एग्जाम्पल देते हैं है किताब है बहुरूप गांधी बहुरूप गांधी जी, जी उसमें ना गांधी जी के अलग अलग आप बात कर लेते हैं फीचर्स की बात हुई है आ, जैसे मतलब बहुत रूपों के गांधी बहुत रूपों के गांधी जी गांधी जी एज अ टीचर गांधी जी एज अ सेंट गांधी जी एज एन ऑक्शनियर और गांधी जी तो इनके गांधी जी के अलग अलग उनकी बात हुई है तो ये गान, अलग अलग फीचर हो गए गांधी जी के अच्छा ओके ये अलग अलग फीचर हो गए तो अभी थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा अभी हम आपके मैसेजेस को भी देखेंगे अभी आप लोग को बोली लगानी राइट अभी आप लोग को बोली लगानी बिल्कुल रेडी रहिएगा ओके ठीक है ठीक है ठीक है साउंड इफेक्ट यहाँ पर लिखा है ठीक है राइट अभी हाँ रेडियो फीचर तो अभी हम इसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं तो अभी जैसे हमने सुना कि महात्मा गांधी

अब गांधी जी एज ए राइटर तो सब जानते हैं बिल्कुल हमको इंटरेस्टिंग बनाना है अभी हम बोलते हैं चलिए आइए गांधी जी पर बात करें तो वो तो हर व्यक्ति सुना हुआ है क्या ऐसी चीज है जो अभी तक नहीं बता दी नहीं गई हम फोकस कर सकते हैं गांधी जी एज ए नीलाम वाला हाँ एज ए नीलाम वाला क्योंकि उस किताब में है नीलाम वाला यानी ऑक्शनियर अब चक्कर आ जाएगा गांधी जी और नीलाम वाला ये क्या बात है जी ये तो कुछ नई सी बात लग रही है नीलाम वाला क्या होता है जी। तो एक छोटा सा ड्रामा है ना छोटा सा ड्रामा और आप लोग को अच्छा लगेगा एक बहुत छोटा सा ड्रामा हम लोग करते हैं एंड इट इज बेसिकली अ फैक्ट इट इज बेसिकली अ फैक्ट ओके तो यहाँ पर इसको थोड़ी देर के हम देखते हैं एंड यू आर गोइंग टू रियली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्यूचर जी क्या टाइटल बताया आपने गांधी जी एज ए नीलाम वाला नीलाम वाला तो मतलब अब हम नीलामी करेंगे तो बोली लगाने के तैयार रहिएगा राइट सब कोई करेंगे तो बड़ा मजा आएगा नहीं तो क्या फायदा आप बैठे हैं हम भी बैठे हैं सुबह होती है शाम होती है जिंदगी यूं ही तमाम होती है तो कोई हो फायदा हो नहीं है ना आइए आते हैं राइट तो अभी आप तो अभी जैसे कि आइए चलते हैं बॉम्बे उस समय का मुंबई आज का मुंबई और उस समय का बॉम्बे और वहां पर एक मैदान में बहुत भीड़ लगातार मतलब चली आ रही थी लेकिन भीड़ के आने का कारण क्या था कौन आ रहा है गांधी जी गांधी जी आ रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम उन दिनों अपने चरम पर था तो श्रोताओं आपको बताना चाहते हैं कि जब भीड़ जब वहां पर लगातार आने लगी और गांधी जी ने उस समय आह्वान किया कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए हमको चंदे की जरूरत है उन दिनों चंदा बोला करते थे ये आपका डेरोगेटरी वर्ड नहीं है इस वर्ड को हम समझ सकते हैं कि तो मैं थोड़ा सा अभिनय हल्का सा करके बताता हूँ कि राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम के लिए इस समय हमें आपके सहयोग की जरूरत है

आई मीन प्ले द रोल्ड लेडी और उस समय जब गांधी जी बातचीत कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि आप आए, अपना दान अपना चंदा बड़े बड़े उद्योगपति श्रोताओं वहां पर खड़े हो गए और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी धनराशि वहां पर डाली इट वॉज और उसी बीच क्या हुआ लोग डाल रहे थे लेकिन उसी बीच अचानक कुछ हुआ देखिये क्या हुआ हटो 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 मुझे बापूजी से मिलना है हटो, हटो हटो आप इनको रोको आप इनको मना करना हटो 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 मुझे नहीं 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 जाना नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुको जा, रुक रुको 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 मैं चाहती हूँ मैं बापू आने दो आने दो आने दो आने दो बापू जी जी ये 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 नींबू ये नींबू जी मेरे पास बस ये एक नींबू था मैं इसको देश की सेवा में कुछ अगर काम कर सकता है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जनता उपहास भी उड़ा रही हसी है हसीिए मत हसीयत मत, हसी मत और तो नीबू आप क्यों लेकर के आई अगर ये देश की सेवा में कुछ काम आ सके तो देश <laughs> देश की सेवा में काम आ सके श्रोताओं ऐसा हुआ कि पूरी भीड़ के अंदर <laughs> लोग हंसने लगे कि ये क्या मजाक है ये कोई समय है जहां पर बड़े बड़े धन कुबेर बैठे हुए हैं जहां पर लोग पैसा डाल रहे हैं सब कुछ करे नीबू ये क्या बात हुई जी है ना लेकिन गांधी जी ने अब क्या कहा देखिएगा अब आप लोग तैयार हो जाइए right really जाएगा अभी मैं आपको बता नहीं सकता okay, आप कर सकते हैं कितना, कितना तो, तो देशवासियों इस समय ये निबू आपने जैसा देखा ये बहन लेकर के आई है और आपने एक बहुत अच्छी बात कही जिसने मेरे मन को छू लिया कि इसका इस्तेमाल स्वतंत्रता संग्राम के लिए हो जी तो मैं चाहता हूं इस समय इस नींबू की मैं बोली लगाऊं और बोली में जितनी राशि आ जाएगी वो हमारे देश के काम आएगी तो मैं इस समय इस मैं इस समय इसकी बोली लगाना चाहता हूं। सब सबको लगाएंगे हैं सबको लगाएंगे आप लोग भी लगाइएगा हम आपकी बोली को भी समय करेंगे 10, 11 कुछ तो आए हैं सिर्फ अच्छा लाख तक नहीं जाना है ओके हाँ। बाप रे बाप शुरू हो गया बिल्कुल हाँ हा, अच्छा आ, हम हम अधिक से अधिक हम 10,000 तक जा सकते हैं ओके ये एक ऐतिहासिक तथ्य है इसीलिए तो उतना ज्यादा हम क्रॉस नहीं करेंगे लेकिन अब उतना के भी दिन। और आइएगा जम के हाँ और आपको ही पढ़ना है ओके 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 Uh, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक, 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 एक हजार एक एक हजार एक दो हजार की सेवा कीजिए हाँ कितना बोला जी पांच हजार एक पांच हजार एक पांच हजार एक और इस ग्यारह पांच हजार एक सौ ग्यारह पांच हजार एक सौ ग्यारह आगे 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 अभी भी कम है अभी भी कम है जो छह हजार दिखाया उसके सामने ये बहुत ही कम है छह हजार जी हाँ आप आठ हजार दस आठ हजार दस और आगे, आगे इस और यदि दस हजार दस हजार दस हजार हाँ किसी महानुभाव को और यदि ताकत थे दस हजार स्टॉप दस हजार पाँच सौ पचास पैसे थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच और यहाँ पर हमने एक बात को देखा हाँ, है ना तो फैक्ट है ना तो गांधी जी की बहुत सारी बातों में से एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने उठाया क्या था कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ तो तो क्या किया हम लोगों ने हमने नीलामी की और ये एक सच्चाई है तो दिस इज द रेडियो फीचर है ना हम फीचर इस प्रकार से बनाते हैं दिस इज द फीचर तो यमुना नदी बोल दे आपके एरिया की नदी है भोपाल है आपका पटना है आप आपके जो होम स्टेट है कुछ भी वहां की संस्कृति आप बना सकते हैं

अरे कोई नहीं आइए 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 चलिए हम आगे चलते हैं तो आ, बहुत बहुत धन्यवाद अगले और आपको पूरा इसका राइट अप मिल रहा है ना वी आर गोइंग टू शेयर दिस स्लाइड आल्सो तो आप चिंता ना करें कि हाय हाय क्या छूट गया ऐसा नहीं होने वाला है आप लोगों को सब मिलेगा वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट राइट हाँ जी रेडियो टॉक रेडियो टॉक जैसे की अभी हम बातचीत कर रहे हैं तो ये भी एक रेडियो टॉक हो सकती है या हम सीधा आपसे बात कर रहे हैं दिस कैन बी आल्सो रेडियो टॉक जैसे एक रेडियो टॉक हो सकता है कि आ, आप एक बहुत अच्छी प्रोड्यूसर हैं जी और अब मैं मतलब ड्रामा नहीं कर रहा हूँ एक रियलिटी बता रहा हूँ कि आपको आ, नेशनल लेवल पर बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं जी तो आज हमने आपको स्टूडियो में बुलाया है बिल्कुल और साथ में Uh, मयंक जी भी है जो कि रिकॉर्डिस्ट हैं और आपने इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया था अखिल भारतीय स्तर पर इस कार्यक्रम को पुरस्कार मिला है तो आज हमने आपको बुलाया है और आज हम चाहते हैं कि आज आप हमारे श्रोताओं से इस वार्ता में भाग लें आप टॉक के द्वारा आप बताएं कि आपने एक कार्यक्रम को बनाने में किन किन बातों का ध्यान दिया आ, सबसे पहले तो उसका जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ा के उसमें कैसे कैसे आर्टिस्ट की जरूरत है जैसे अभी हमने गांधी जी की बात की अगर हम गांधी जी पे कोई प्रोग्राम बना रहे हैं या कोई हमारा फीचर है कोई फिक्शन है तो उसके लिए कैरेक्टराइजेशन बहुत जरूरी है है कि आपको कैरेक्टर्स कैसे रखने हैं हाँ जोहार देते हैं जोहार बोले जोहार हाँ जोहार चलिए तो कैरेक्टर कैरेक्टराइजेशन करना होता है उसके बाद आपका जो चीज़ होती है वो रिहर्सल आपको रिहर्सल करनी होती है प्रोग्राम से पहले और स्क्रिप्टेड होना चाहिए ये सब की ऐसा नहीं है प्रोडक्शन स्क्रिप्ट होती है हमारी वो स्क्रिप्ट होनी चाहिए और फिर रिहर्सल के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं फिर उसके बाद आपका भी जैसे हम बात कर रहे थे जलिया वाला बात का एग्जाम्पल दे रहे थे हमें प्रॉपर रिसर्च करनी होती है कि हमारे लिए सूटेबल क्या म्यूजिक रहेगा उस अगर पुराने टाइम की बात कर रहे हैं या हम नया कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो डिपेंड

टॉक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है ना देखिए आजकल मोबाइल का टाइम है आजकल तो व्हाट्सएप पर बहुत कुछ हो सकता है आप अपने लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं आप एक अच्छी कविता को रिकॉर्ड कर सकते हैं एक कविता को कैसे पढ़ना है बाद में हम देखेंगे लेकिन आप लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड बेसिकली लेक्चर इज ए टॉक टॉक है ना क्योंकि आप बातचीत कर रहे हैं आप श्रोताओं को बोल रहे हैं आजकल पॉडकास्ट बहुत आ गया पॉडकास्ट है रेडियो के थ्रू मोबाइल में आपने अपने लेक्चर को आपने रिकॉर्ड किया और आपने डाल दिया है ना जिसने जिसको रिवाइज दोबारा तो हाँ। लेकिन मुझको पता है कोई बहुत अच्छा कोई क्षेत्रीय कलाकार जो बहुत बढ़िया क्या पढ़ता है जी कविता कविता पढ़ता है तो मैंने बुलाया और मैंने कहा कि हमारे पाठ्य पुस्तक में सर ये कविता है अगर इसको आप पढ़ हैं तो बड़ा मजा आ जाएगा है ना Uh, मैं तो सादरी में बोल सकता हूँ लेकिन अभी नहीं बोलता हूँ <laughs> तो ये कि बड़ी अच्छी कविता के लिए आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं क्योंकि जरूरी नहीं हर एक का डिक्शन सही होता हो तो हम uh, हम इसको हम इसको, <laughs> इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना हाउ टू रीड जैसे एक रॉबर्ट uh, फ्रॉस्ट की कविता है <laughs> अच्छा उसको हम बाद में देखेंगे उसको हम बाद में देखेंगे लेटेस्ट गो टू दैसा सर एक uh, uh, मैं झारखंड से भूपेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ जी हाँ जो जैसे है। फोर, फोर क्लास की एक कविता थी देखो कोयल काली है मीठी इसकी बोली तो उसको अगर उस वे में अगर हमने एक देखो कोयल काली है पर मीठी इसकी बोली इसने तो बोली। ही तो कुक कुक कर आमोक मिश्री घोली तो इस तरह से बच्चों को जब इस तरह से रिकॉर्ड जी रिकॉर्ड करके और तो ये देखिए आपने इसको गा, गा के लिए ना अब अब जैसे अच्छी तरह यदि आप इसको गा के रिकॉर्ड कर ले है ना और बीच में ऐसे गैप दे दिए कि बच्चों जब मैं गा रहा हूँ आप भी गुनगुनाइए जी जी ना ये बच्चों ना के साथ कराया है हाँ। हाँ। सारे गीतों हाँ। का अभ्यास हाँ। जी हाँतो... और ऐसा भी साथ में हम बोल सकते हैं कोयल की आवाज कैसी होती है और 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 कौन कौन सी बर्ड्स की उन्होंने आपने आवाज़ सुनी है तो ये एक्टिविटी भी जैसे लास्ट टाइम बोला तो बच्चों अब ये बताओ की कोयल की आवाज कैसी होती है है ना आपने सुनी है और अपने साउंड इफेक्ट डाल दिया है ना साउंड इफेक्ट डाल दिया तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है जी अच्छी कहानी भी है ना आ, सब कोई जी म्यूट जी कर ने? ले हाँ, यानी कथा वाचन भी अपने आप में एक बहुत अच्छा आ, मैं कहूंगा फॉर्मेट, फॉर्मेट है, है। जो जो कि कि एक प्रकार का जो रेडियो टॉक की तरह ही जाएगा है ना जाएगा उसी प्रकार से तो ये हो गया रेडियो टॉक और ये एक एग्जांपल आपने अच्छा दिया अभी और इसी के कई प्रकार से हो सकते हैं जैसे आपने गा के बोला लेकिन गाने में कई बार एक बारीकी की हम बात कर रहे हैं अक्सर जब हम लोग म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं है ना तो हम लोग जब म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं गाने में कई बार क्या होता है कि हमको मीटर के हिसाब से उच्चारण करना पड़ता है तो कई बार शायद शुद्ध उच्चारण से हो सकता है थोड़ा सा हम चूक जाए हल्का हल्का मीटर आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ तो कई बार ना पहले उसका बढ़िया उसका एक मॉडल रीडिंग कीजिए इसको हम ऐसे पढ़ेंगे है ना इसका रिसाइटेशन है ना अब जैसे आ, सही उच्चारण के साथ उसके बाद बोलेंगे क्या इसको गाने में सुनना चाहते हैं है ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा है ना तो ऐसा नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्रॉडकास्टर लोग हैं तो टाइम को लेकर बहुत एलर्ट <laughs> रहते हैं राइट right. नेक्स्ट uh, ये बहुत अच्छा है जी हाँ uh, hmm. इसके बारे uh, जी uh, आप कुछ प्रकाश डालिए जी बिल्कुल हाँ. बिल्कुल uh, ये है वॉक्स इसको अगर हम इट्स अ फ्रेंच वर्ड और इसको वॉइस ऑफ दी पीपल भी बोल सकते हैं और ये मतलब वॉइस 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 ऑफ दी पीपल पॉपुलर मतलब पीपल राइट right. तो इसमें क्या वर्ड बोला फ्रेंच वर्ड है फ्रेंच वर्ड है सर ये और इसमें क्या करते हैं कि जनरली हम ना बाहर जो आउटडोर रिकॉर्डिंग करते हैं जो जनता की राय है या कोई हमें कोई प्रॉब्लम है उससे हमें बात करनी है किसी बाहर जाके तो हम उनसे उनकी राय पूछ सकते हैं हाँ. जैसे अगर हमें पहले हमने वीओ रिकॉर्ड कर लिया स्टूडियो में अगर हमें पर्टिकुलर कोई टॉपिक हो गया कोई समस्या हो गया right. उस पर हमें जनता से राय मांगनी है जैसे मैंने मांग लिया कि आजकल महंगाई के बारे में आपकी क्या राय है हुँ. तो मैं पूछूंगी सर आप हमें बताना चाहेंगे आप महंगाई के बारे में आजकल क्या सोचते हैं हाँ महंगाई तो बहुत बढ़ रही है आजकल और लेकिन ये सिर्फ यहाँ की समस्या नहीं है तो एक वैश्विक समस्या है जी. लेकिन महंगाई तो जी हाँ बिल्कुल है बिल्कुल आम लोगों के लिए समस्या तो होती है जी जी और आप कुछ कहना चाहेंगे आप कुछ कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में अच्छा तो आप भी मानते हैं कि बहुत ही महंगाई चल रही है, है? जी जी आजकल के समय के हिसाब से तो ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया बाइट रिकॉर्ड कर ली स्टूडियो में आई मैंने इंट्रोडक्शन दिया अबाउट uh, महंगाई के अभी अभी आप सुन रहे थे और अभी हम सुनते हैं जनता की आवाज वॉइस ऑफ पीपल कि लोगों का क्या मत है इस बारे में तो ये हम उनकी बाइट डाल देते हैं तो ये एक पैकेज टाइप में होता है तो दैट इज कॉल्ड वॉक्स पॉपुली वॉक्स पॉपुली राइट जी तो इतने सारे फॉर्मेट्स थे अब रिकेप की जरूरत नहीं है जी। आ, आगे चलते हैं बहुत जल्दी क्योंकि कुछ चीजें बहुत फास्ट अभी हमको कवर करनी है और अब आगे चलते हैं इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और यहाँ पर है जिस टॉपिक पर हमारे दैट इज राइटिंग फॉर द रेडियो रेडियो के लिए कैसे लिखे लिखते तो सब है अब एक सवाल है कि रेडियो के लिए कैसे लिखें अब रेडियो मतलब जैसा आपने तभी क्या बोला था इसका मतलब खाली वो गोल्ड डब्बा नहीं होता जी बिल्कुल क्या क्या होता है इसमें आप एक पॉडकास्ट लिख सकते हैं एक स्टोरी लिख सकते हैं तो आपको ना ऑडियो लिखना है मेनली ऑडियो पर फोकस करना है ना कि हमें जो एक मैकेनिकल सेट है हुँ. उसके लिए कुछ लिखना है हमें ये फोकस करना है कि हमें अपना कंटेंट ऑडियंस तक कैसे पहुंचाना है थ्रू ऑडियो ओनली यहाँ पर एक जी. बात को देख रहे होंगे दो तीन यहाँ पर एलिमेंट्स हैं जी आप इसको नोट करिए एक तो आपका ऑनोमोटोपोइक वर्ड्स और दूसरा योर स्क्रिप्ट मस्ट साउंड साउंड आपके आलेख में ध्वनि होनी चाहिए जी अगर ध्वनि नहीं है सर तो फिर गड़बड़ है है ना मतलब ध्वनि होनी चाहिए इसे हम बार बार बोलते हैं कि अगर आगे चलेंगे नेक्स्ट में आते हैं इस समय हम टारगेट ऑडियंस जी हाँ अब यहाँ पर देखते हैं ऑनोमोटोपोइक जो वर्ड है वो क्या है अगर आप लोग जानते हैं आप लोग टाइप कर सकते हैं कि इस शब्द से अब हम थोड़ी पढ़ा रहे हैं आप लोग को ऐसा नहीं है मतलब आप भी बताइए अच्छा रहेगा आप लोग का प्रोग्राम मेरे लिए बहुत ही यूजफुल होगा आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी धन्यवाद Uh, साथ साथ हम श्रोताओं के पत्रों को भी पढ़ते जाएंगे राइट? Okay, right? हम ऐसा भी करेंगे और गुलशन जी आप सुन रही है ना हाँ थैंक यू वेरी मच आगे चलते हैं देखिए, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट जगह पर आते हैं इसको हम थोड़ा सा ये करने तो ऑनोमोटोपोइक एक्सप्रेशंस। जी। एक्सप्रेशन इसका यदि हम हिंदी में अनुवाद करें तो आपका ध्वनियात्मक अभिव्यक्ति या हम ध्वनि अलंकार भी कह सकते हैं हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल हम बोल सकते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर आप अपने आ, आपके लिए भी लेफ्ट होगा राइट अगर आप अपने रेडियो तो रेडियो ये दीज आर द ऑनोमोटोपोइक एक्सप्रेशन ओके राइट तो जैसे कि एक बात हम बोलते हैं आप पहले पढ़ेंगे जी द कप फेल फ्रॉम टेबल हाँ ठीक है टेबल से गिर गया इन्फॉर्मेश इन्फॉर्मेशन ठीक है? है, है समझ में आ गया गिर गया क्या करें है दे ना दे लेकिन जब रेडियो के लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे आप पढ़े द कप फेल फ्रॉम ब्रोक यस कप फेल फ्रॉम द टेबल एंड इट ब्रोक जहाँ पर हम ब्रोक बोलते हैं तो टूटने की आवाज यहाँ पर ध्वनि का आभास होता है जी हमने ब्रोक बोल करके ये बता दिया की जब जब प्रोड्यूसर इसको बनाएगा तो उसका मतलब हमने उसको भाषा के द्वारा ये बता दिया कि आपको वहाँ पर डालना किया, तो प्रभाव आपको वहां पर डालना, डालना है, आपको ट्री ठीक है, तो, okay? next. Next है, है? Uh, कोई खास मैं इंप्रेस नहीं हुआ ना और अगर हमें ऑडियो में दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे की अब जैसे बोल दिया तो क्या होगा उससे तो कुछ नहीं होगा लेकिन ऑनोमोटोपोईक अगर हम बोलते हैं तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री

यहां की बात नहीं मैं कहीं गया था तो वहां किसी अधिकारी ने पूछा आप क्या करते हैं मैं कहा जी रेडियो प्रोग्राम बनाता ऑडियो प्रोग्राम बनाता है ना तो बोला आजकल कौन सुनता है मैं ही नहीं सुनता मैंने कहा अच्छा ठीक है सर समय आएगा सुनेंगे हम लोग है ना वाली बात अलग है लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि रेडियो में आप यदि आपको लिखना है ऑनोमोटोइक एक्सप्रेशन इसको बिल्कुल रजिस्टर कर लिए बिल्कुल अगर ये नहीं है तो आपकी स्क्रिप्ट वीक है राइट डांट तो नहीं रहा हूं मैं <laughs> right. राइट में बस इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो रेडियो स्क्रिप्ट नहीं है या हम ऑडियो स्क्रिप्ट नहीं है वो अभी देखिएगा यहाँ पर uh, और एक पढ़ते uh, हैं? है? आपने बता दिया ये तो एक भौगोलिक जानकारी तो भौगोल के लिए है? बिल्कुल है इन्फॉर्मेशन इज करमेशन इज करेक्ट लेकिन साहित्य में अगर हम जाते हैं या रेडियो में अगर हम जाते हैं तो क्या बोलेंगे मेरे गांव के बगल से जो नदी निकलती है उसके आ, सम्मोहित करने वाली ध्वनि को सुनकर बड़ा आनंद है ऐसा तो ओके ओनोमोटोपोय अच्छा आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल देते हैं ग्रेट लेकिन यहाँ कोई मुझको रेफरेंस नहीं मिला जी रेफरेंस क्या होना चाहिए यहाँ पर पता चल गया कि

ओके okay, हाँ ठीक है आगे आगे एक और एक और राइट right. यहां पर एक स्लोगन है और ये स्लोगन को आप लोग नोट कर सकते हैं कि आ, आप पढ़ेंगे बहुत बढ़िया ये स्लोगन मुझको बहुत ही प्रिय है राइटिंग फॉर द रेडियो इज राइटिंग फॉर द इयर्स यस मतलब रेडियो के लिए लिखना हुँ. कान, कान के, के लिए लिखना, लिखना है ना न जी. कानों के लिए लिखना है जब हम टीवी के लिखते हैं तो हम आंखों के लिए कानों के लिए भी लिखते हैं लेकिन जब रेडियो के लिखते हैं तो हम कहा के लिखते हैं कानों के लिए हम कानों के लिखते हैं और जब कानों के लिखते हैं तो उसका मतलब ये हमारे पास कोई और दूसरा साधन नहीं है हमको सिर्फ कानों के द्वारा ही दिखाना है हमको दिखाना है कानों वेरी ट्रू कान से दिखाना है आज तक ये सोचा है कभी अगर बोल देंगे बच्चा बोलेगा क्या बोलता है जी कान से दिखाता है लेकिन कान से दिखाते हैं हम है ना यही तो जादू है ऑडियो का जादू यही जब साउंड इफेक्ट आता है म्यूजिक आती है ना आनंद आ जाता है सुन करके वाह वाह क्या बात है है ना आंख बंद करेंगे तो भी वो सीन आपके सामने आ जाएगा तो हम कान से भी दिखाते हैं है ना तो रेडियो के बारे में ये है आगे चलते हैं आगे हाँ राइट अब यहां पर देखेंगे दीज आर द क्रिएटिव एक्सप्रेशन ये लास्ट होगा आज का है ना ये लास्ट सेकंड लास्ट होगा तो यहां पर देखते हैं क्रिएटिव आपके एक्सप्रेशन क्या होते हैं कि हम कैसे किसी बात को एक्सप्रेस करेंगे जी तो इन्फॉर्मेटिव राइटिंग मैं पढ़ रही हूँ लाइफ इज वेरी बिजी एंड वी हैव नो टाइम और एक बार बोलिए लाइफ इज वेरी बिजी वी हैव नो टाइम ठीक है <laughs> uh, कोई है ना ठीक ही है हाँ, थीक लेकिन है। अगर इसको हम yes. बहुत क्रिएटिवली बोले तो क्या बोलेंगे यहाँ पर देखिएगा दे इज अ वंडरफुल एक्सप्रेशन ऑफ दिस लाइफ इज वेरी बिजी एंड वी हैव नो टाइम बिल्कुल ठीक है लेकिन इसको हम और ठीक कैसे बोले और बढ़िया कैसे बोलने की सुनने वाला गिर पड़े है ना मतलब बहुत अच्छा लगे लोगों को यहाँ देखिएगा वट इज लाइफ इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम इवन टू स्टैंड एंड स्टेयर है ना क्या जिंदगी है अगर यहाँ पर इतनी भाग दौड़ है सब कुछ है हमारे पास खड़े होकर के किसी चीज को देखने का भी समय नहीं जिंदगी के अंदर तो दिस इज वेरी क्रिएटिव एक्सप्रेशन अगर कुछ और लोग अगर हम लोग को दिख जाए यहाँ पर तो सबका एक्सप्रेशन हम देखना चाहते हैं थोड़ा तो लोग कैसा गुड 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 ऑल आर लुकिंग वेरी हैप्पी आगे चलते हैं जी हाँ इस समय तो आगे चलते हैं एक बड़ा अच्छा वर्ड है इसको पढ़िएगा अच्छा ऐसा करते हैं मैं आपके घर आया और अब मैं जा रहा हूं तो आप मुझको क्या बोलेंगे थैंक थैंक यू यू फॉर कमिंग ओके इट नाइस है ना हो गया थैंक यू फॉर कमिंग लेकिन अगर मान लिये मैं ऊर्जा से भरा हुआ हूँ अगर मुझको रेडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है तो देखिये मैं क्या बोल सकता हूँ और एक बार बोलिएगा थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू फॉर कमिंग हाँ थैंक यू बस हो गया है ना ही करके बात खत्म हो गई है ना लेकिन अगर मान लिये बहुत बढ़िया से रेडियो के हिसाब से बना है थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर विजिट जी अगला बड़ा खुश हो जाएगा यार मेरी विजिटिंग really? को बोल रहा है <laughs> ऐसे कॉम्प्लीमेंट right. करता नहीं है ना जी. लेकिन विजिटिंग इज द कॉम्प्लीमेंट इट्स रियली है ना सो इट्स अ वेरी गुड एक्सप्रेशन बोलने का एक तरीका है आगे देखते हैं आ, हाँ यहाँ पर थोड़ा hmm. इस बात को लेना चाहते <laughs> हैं जी हाँ अगर आप लोगों को पता है ये किसने लिखा है तो आप टाइप कर सकते हैं जी

इस इन्फॉर्मेशन थैंक यू वेरी मच रॉबर्ट फ्रॉस्ट ओके और इनके बारे में बता दे कि भारतीय हिंदी साहित्य में जो स्थान सुमित्रदन पंथ का है वो अमेरिकी साहित्य में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का देखिए क्या बोला एंड हाउ वंडरफुलट इज वुर लवली डार्क एंड डीप बट आई है यहाँ पर माइल्स मैंने माइल्स की तरह नहीं बोला माइल्स बहुत लंबा होता है तो बोलना क्या पड़ेगा वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप But I have promises to keep. And miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. Hai na? Aisa hai na? <laughs> and miles to go. Words are lovely, dark and deep. But I have promises to keep. And miles to go before I sleep. Hai na? So these are the expressions. example. very good. very good. हाँ, भाषण दे रहे है ना किसाइलिंग नो टू स्पीक साइलेंस यानी खामोशी भी बोली जा सकती है हाउ वैना खामोशी भी बोली जा सकती है ये रेडियो की भाषा है तब आप इंजॉय करेंगे अच्छा क्लास रूम में भी इसी प्रकार की एनर्जी से बोले जी

काम भी ऐसा करें कि काम भी खुश होके बोले कि इस की इसको मैंने किया जी, है ना इसको मैंने किया लास्ट एग्जाम्पल इसमें देखते हैं राइटिंग राइटिंग फॉर फॉर रेडियो इज स्किल इसको हम कैसे बोलेंगे दूसरे प्रकार से राइटिंग फॉर रेडियो इज राइटिंग विजुअली फॉर दस हाँ 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 राइटिंग विजुअली फॉर द है ना ऐसा लिखा कि देखने लगे है ना जी, ये है तो इट्स रियली वंडरफुल तो ये सारे एक्सप्रेशन हैं uh, आगे चलते हैं शायद अब हम लास्ट में आगे हैं मैंने पता नहीं कितनी बार लास्ट लास्ट बोल दिया ठीक है आगे चलते हैं आगे चलें? आगे चलें? आगे चलें? कोई बात नहीं और आगे चलते हैं ये सब पूरा प्रोडक्शन के टिप्स हैं हाँ। ये रिकॉर्डिंग है, है, है।, है।, है राइट हा, 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 ये वाले, ये वाले, बस ये लास्ट है और देखिएगा हाँ तो हाजरीन आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाए सुनने के आप लोग को बड़ा इस समय कुछ अच्छा अच्छा आपको सुनाई पड़ने वाला है राइट तो इस समय देखेंगे आ, लिखने के लिए तो वन क्या है? देखेंगे? जी। बहुत ही हमें कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं यूज करने हैं एट टाइम फॉर राइटिंग फॉर द रेडियो बहुत हमें सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस वी शुड यूज फॉर राइटिंग फॉर द रेडियो अच्छा मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ आप बताइए रेडियो के लिए है कि नहीं। रमणीय और लोचनाकर्षक आलम भुवन भास्कर की सुखद रश्मिया वसुधा के वक्ष स्थल पर पढ़कर उसे रोहित करती थी <laughs> तो इसमें ना सर ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज किए हाँ, हैं किया शब्द हैं यस तो जिनको समझना मुश्किल है और रेडियो में क्या है कि हमारे पास ओनली वर्ड्स हैं तो हमें जितना सरल भाषा में हो सके और जितना शॉर्ट हो सके वैसे हमें रेडियो के लिए देना है हाँ। और बहुत ज्यादा अगर हमें बहुत अच्छा वोकेबलरी है हमारे पास बहुत अच्छी नॉलेज है हो सकता है हमारे पास बहुत ज्यादा हो लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है हमारा जो बच्चा है जिसके लिए हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं क्या वो ऐसी भाषा समझेगा क्या वो उसके लिए इतने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हमें यूज करने चाहिए तो हमें उनके हिसाब से लिखना है ना कि हमें अपने लिए लिखना है जी आ, एक बात यहाँ पर ये यह, अब मैंने बोला कि अब सब हम एक दूसरे को देख राइट तो एक बात यहाँ पर देखते हैं कि जब स्टूडेंट के लिखते हैं आपने जो बोला ना ये काम बहुत कठिन है जी सिंपल क्यों लिखे जी इतना अध्ययन किया मतलब थोड़ा शब्दावली का वमन तो करूं है ना उल्टी करूं थोड़ा सा कितना जानता हूं बहुत बार स्टूडेंट्स को कम देखते हैं जो हमारे अधिकारी होते हैं उनको हम ज्यादा देखते हैं कि वो थोड़ा इंप्रेस हो जाए जी ऐसा मारा ना कि गिर पड़ा है ना मतलब समझ ही नहीं आया हाँ समझ में ही नहीं, नहीं आया तो और जब समझ में नहीं आता है तो लोग उसने ही, ही करते हैं ना कि हाँ नहीं, नहीं, बहुत जी, अच्छा जी, बोला देखिए एक एग्जांपल देते हैं फिर हम इसको करते हैं राइट अफ्रीका में अफ्रीका की एक बात करते हैं कि आ, इस बात से परहेज करना चाहिए कि हमारी भाषा बहुत ही क्लिष्ट ना हो ना हो राइट तो इस समय एक एग्जाम्पल आप आप लोग को देता हूँ और यहाँ पर देखेंगे कि अफ्रीका में बंदरों को पकड़ने का एक तरीका है जी आ, यहाँ पर तो जाल फेंक लेते हैं या कुछ करते हैं लेकिन वहाँ पर क्या करते हैं एक नारियल का क्या होता है खोल होता है है ना और वहाँ पर क्या होता है चने आ, नारियल के खोल में अंदर चने रख दिए जाते हैं हाँ हल्का सा छोटा सा छेद होता है और ऐसा कि खाली हाथ अंदर जा सके देखिएगा इधर हम तो हाथ से बताते हैं हाथ अंदर जा सके अब अंदर मैंने पेड़ से देखा क्या डाल रहा है जी नारियल के खोल में चने तो आइए जाकर जा के चने को पकड़ते हैं अब हम लोग उतरे और जाकर के हमने ग्रैब कर लिया लेकिन छेद कितना है कि हाथ अंदर तो चला गया अब क्योंकि मुट्ठी में क्या है बोलिएगा मुट्ठी में क्या है मुट्ठी में चने है ना अब क्या है कि अब मुझको अब मुझको बाहर निकलना है ना लेकिन क्योंकि मुट्ठी में चने अब प्रॉब्लम यह है कि लालच हो गया छोड़ूंगा नहीं छोड़ा नहीं मतलब अभी यहाँ पर देखिये बंदर के लिए एक ही काम था अगर वो हाथ छोड़ दे तो आराम से भाग सकता है आराम से भाग सकता है लेकिन अब वो भाग नहीं रहा है छोड़ो कैसे लालच इसी प्रकार शब्दों का लालच भी होता है बहुत बार नहीं नहीं ये वर्ड तो लिखिए देते हैं मतलब वहां के हिसाब से बोल रहा है इसको तो लिखिए देते हैं है ना लिख देते हैं थोड़ा सा है ना तो लेकिन अगर वो छोड़ दे तो वो बच जाएगा अगर वो छोड़ दे तो फ्री हो जाएगा बहुतों को फ्री कर देगा लेकिन बहुत कुछ हम छोड़ते नहीं इस वर्ड को तो बोलना ही बोलना है इसलिए बंदर पकड़ा जाता है तो आज आ, बस इस समय ये कहना चाहते हैं कि रेडियो के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमने ली थोड़ा सा जी तो हमने फॉर्मेट्स को सीखा हमने सीखा कि क्या क्या कैसे लिखा जा सकता है रेडियो के लिए हुँ? और क्या क्या आप फॉर्मेट्स बना सकते हैं और क्या कंटेंट है और बहुत ज्यादा वोक्यबुलरी आपको बहुत कॉम्प्लेक्स वोकेब्लरी नहीं यूज करनी है रेडियो में हुँ। और साउंड जरूर अकोमडेट करनी है रेडियो अगर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो ये थोड़ी थोड़ी सी टेक्निकल चीज सीखी हमने आज और अभी हम नेक्स्ट सेशन में कि कैसे हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप टीचर्स हैं तो आपके पास हो सकता है बहुत बड़े स्टूडियोज ना हो तो आप अपने एक छोटे से फोन में कैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और आप उसको एडिट कैसे कर सकते हैं ये नेक्स्ट सेशन में लेंगे और इसे में में हम और इस समय कार्यक्रम के अंत में आइए हम इस समय देखते हैं हमारे श्रोताओं के संदेश हमारे पास आ रहे हैं और एक लिखा है सुपर्ब एक संदेश यहाँ और बहुत एक आ रहा है सुमधुर बेहतरीन तो आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद तो श्रोताओं आज 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 जाने के जितना करो सर सर थैंक यू सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ बोले आ, सर और मैडम आज का आपका जो ये प्रोग्राम आ, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहा जी आ, बहुत ज्यादा मुझे आपने टिप्स दिए और ए, आ, बहुत यूजफुल दिए और आपके सेशन आगे भी लगते रहे ऐसी में उम्मीद करता हूँ अभी और बहुत हो <laughs> तो आ, तो कोरोना में मैंने राइट 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 आप सबों के संदेश सारे कुछ और हाँ, क्या क्या आप, आप पढ़ दीजिएगा सर आज, 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 आज का प्रोग्राम रिकॉर्डिंग मिल सकता है टाइम शॉर्ट लगता है और सुनने का मन करता है हाँ, अच्छी हो गई टाइम शॉर्ट लगता है और सुनने का मन करता है है ना तो प्लीज Uh, what up. is yes. the difference between docu-drama and a new radio feature uh, both are very different formats you know like uh, uh, both are very different both cannot be compared yes. as far as that uh, I mean docu-drama is concerned there what we do we keep in account we take in account the fact but we present that with the drama format yes uh, but when we talk uh, when we talk about the feature feature can be presented in any way yes it can be a fiction also Uh

हाँ तो इस समय ये कहूंगा कि फ्यूचर बहुत आपने ठीक बोला उसमें फिक्शन भी हो सकता है लेकिन डॉकी ड्रामा में फिक्शन नहीं हो सकता नहीं। राइट अपना कीमती समय निकाल कर आपने दिया हमें इतना ज्ञान आगे पढ़ें आप सभा एस आर जी से दिल से बहुत बहुत आभार हाँ तो समाप्त करते सब हैं आइए सबको ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं हाथ मिलाते हैं So, बहुत you. बहुत धन्यवाद नमस्कार आज का कार्यक्रम यही पर समाप्त होता है तो मैं अजीत और मैं विमलेश अपने हमारे सहयोगी मयंक के साथ आपके आपसे इस समय विदा लेते हैं तब तक के लिए अगले सेशन में मिलेंगे कुछ देर में तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार. नम...